हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्तों आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे हो। तो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, कैसा लग रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला मेकअप लुक है जो कि वाटर प्रूफ है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने किया हुआ है। ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने यूज़ किए हैं वो अंडर 500 है। ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक है, आप लोग देख सकते हो। मैंने करने की कोशिश किया है, लगभग बहुत अच्छा हुआ है मेकअप। ये देखते हैं ये वाला मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। और हाँ, अगर ये लुक आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेकअप शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, देन मॉइस्चराइजर यूज करना है और हमें अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है फेस को। मॉइस्चराइज करने के बाद हमें प्राइमर यूज करना है, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए मेकअप है और ऑयली स्किन है या गर्मियों का मौसम है तो उसमें प्राइमर अच्छा से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्राइमर को अच्छे से हम पूरे फेस पे लगा लेंगे, खासकर टी जोन एरिया जो होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, लिप एरिया होते हैं वहाँ साइड में। उसके बाद ये है सुनीसा का सीसी क्रीम, जो कि इसका रिव्यू मैंने चैनल पे दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये सीसी क्रीम एज फाउंडेशन बोल सकते हैं आप, और ये वाटर प्रूफ है इसलिए ये मेकअप भी वाटर प्रूफ होने वाला है। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप डेली मेकअप करना चाहती हैं तो कम लगा सकती हैं। और ये मैंने वेडिंग के लिए ये मेकअप किया था तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यूज किया था इसे। सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और ये मतलब ये मेंशन भी करता है कि ये वाटर प्रूफ है, और ये वाटर प्रूफ है। मैंने पिछले वीडियो में टेस्ट करके, लाइव टेस्ट करके दिखाया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं आँखों के नीचे फिर से उसी सीसी क्रीम को लेकर एक बार हल्के अपने हाथों से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा तो डार्क सर्कल्स नहीं है, बट थोड़े बहुत हैं तो वो कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्कार है इसलिए मैंने लिप्स के ऊपर भी यूज़ किया है। अब हम अपने फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। देन बारी है आई शेडो की, तो ये ब्लैक स्मोकी आई शेडो मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले ब्लैक कलर लेके और इसको अच्छे से मैं कॉर्नर पे लगा रही हूँ। अब देख सकते हो बहुत ही इजीली लगा रही हूँ। जो आई शेडो में ब्रश दिया रहता है, मतलब आई शेडो यूज़ करने वाला, उसी से मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ये बहुत ही इजी होगा। और उसके बाद से मैंने गोल्डन और ब्लैक का मेकअप करना है, तो मैंने पहले कॉर्नर पे ब्लैक लगाया है ताकि बहुत ज़्यादा अगर डार्क भी हो जाए तो मैनेज हो जाए, इसलिए उसके बाद मैं गोल्डन कलर लेकर और यहाँ पर अच्छे से इसको तो यहाँ मेरा आई शेडो लग चुका है। अब बारी है आईलाइनर की, और मैं दोनों आँखों पे लगा लूँगी और नीचे वाटर लाइन, आई के वाटर लाइन पे भी आईलाइनर ही लगा रही हूँ मैं। उसके बाद से ये ब्लैक कलर लेके जो आई शेडो ऊपर मैंने यूज़ किया था उससे नीचे वाटर लाइन पे भी हल्का हल्का लगा दे रही हूँ।
और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक बहुत ही मुझे पसंद आ रहा है। अभी मैंने रिसेंटली इसे परचेज़ किया है और ये मीशो से मैंने बाई किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप बाई कर सकते हैं वहाँ से। सॉरी, मीशो का लिंक नहीं होता, कोड मैं दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो। यहाँ पर ब्लश यूज कर रही हूँ और ये आई शेडो। तो जो मैं आई शेडो पैलेट है उसमें एक वाइट कलर का बहुत ही अच्छा सा वो शेड है जो मैं हाइलाइटर के तौर पे यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे मेकअप यहाँ पे डन हो गया है। तो गाइज, अब हमारा मेकअप डन हो गया है और ये मेकअप आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो, दोस्तों में अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिएगा। और जो भी नए हैं, अगर ये वीडियो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग कमेंट करके ये भी शेयर कर सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। एक दिन पहले मैंने अभी ये स्किन केयर रूटीन शेयर किया हुआ है, मे बी आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और नहीं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।